हे एवरीवन, वेलकम टू आरजू किचन। आज मैं आपके साथ 10 मिनट में बनने वाली कुरकुरी रसीली जलेबी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमें चाशनी बनाने के लिए 2 कटोरी चीनी लेंगे, उसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे और साथ में चुटकी भर इलायची पाउडर भी ऐड कर देंगे और इसको गैस पे रखेंगे और इसमें चुटकी भर कलर भी डाल देना, जिससे कि हमारी जलेबी का कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस को लो फ्लेम पर चाशनी को बनने के लिए रख देंगे। एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कटोरी मैदा ऐड करेंगे, साथ में 1 चम्मच घी और 1 पैकेट इनो को ऐड करेंगे, जिससे कि हमारी जलेबी अच्छी बनेगी, फूली हुई और कुरकुरी बनेगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे पानी ऐड करते जाएंगे इसमें और ध्यान रखना कि हमारी घोल में गांठ ना रह जाए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हमारा घोल बनकर तैयार है। अभी हम एक गिलास में पॉलीथीन लेंगे और इसको इस तरीके से लगा देंगे और घोल को इसमें डाल देंगे। आप कोई सा भी पॉलीथीन यूज कर सकते हो। घोल डालने के बाद ऊपर से पॉलीथीन को अच्छी तरह से गांठ मार देना है, बंद कर देना है, जिससे कि हमारा घोल बाहर ना निकल पाए और कीप के टाइप बना लेना है। उसके बाद कढ़ाई में घी गर्म होने देंगे और हाई फ्लेम पर ही जलेबियाँ तलने लगेंगे। धीरे धीरे एक सिरे से शुरू होके लास्ट में एक डंडी लगाकर जलेबी ख़त्म कर देंगे। और हमारी सारी जलेबी बनने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे, जिससे कि जलेबी अंदर तक पक जाएं। और ये देखिए, हमारी जलेबी बहुत ही कुरकुरी लग रही है और सच में कुरकुरी ही है। इनको अभी जस्ट घी से निकाल कर चाशनी में हमें 5 सेकंड के लिए डिप करना है, जिससे कि इसमें चाशनी पूरी तरह से चली जाए। और कढ़ाई से निकालते ही जस्ट तभी डालना है चाशनी में से, रुकना नहीं है बीच में। और ये देखिए, हमारी जलेबी बनकर तैयार है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।